activate Blippi Station! It's time to get up and shout. I wonder what we'll learn about Blippi! तुम्हारा गिटार सही काम नहीं कर रहा है डीबो। मुझे जानना है कि गिटार कैसे काम करता है। तुमने सही कहा डीबो, चलो चल के पता लगाएं। मुझे विंग्स की जरूरत है। विंग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। रॉक एंड रोल सुनकर बहुत मजा आया, शुक्रिया। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हमें जानना है कि गिटार कैसे काम करता है, हमें दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर मैं खुद गिटार नहीं बजा सकता, इसे सही से बजाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। ठीक है। जब मैं किसी तार को छेड़ता हूँ तो वो बहुत तेजी से आगे पीछे होता है जिससे सुर बजता है। हाँ सही कहा डीबो, मेरा तार तुम्हारे तार से ज्यादा मोटा है, तुमसे बैलेंस नहीं हो पा रहा होगा ना? तार जितनी तेजी से आगे पीछे होता है सुर उतना ही ऊंचा होता है। गिटार पर सुर बदलते कैसे हो? उसी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हे डीबो, क्या तुम गिटार के आखिरी सिरे तक चलते जाओगे? अब फिर से मेरी तरफ आ जाओ। सोलो। अच्छा, मुझे अब समझ में आया कि सुर कैसे बदलते हैं। पर गिटार की बॉडी इतनी बड़ी क्यों होती है? इसका ये हिस्सा आवाज को बढ़ाता है। शुक्रिया। हे, इधर आके साउंड बोर्ड पर खड़े हो जाओ। अरे, अब हम लोग भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब मैं तार छेड़ता हूँ तो गिटार की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है और वहाँ बना हुआ साउंड होल आवाज को बहुत तेज कर देता है, वैसे ही जैसे चिल्लाते समय मुंह को हाथ से ढकने पर होता है। हेलो। वो, मैंने कितना तेज चिल्लाया। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत कर ली, अब वक्त है जैमिंग का। 1, 2, 3, 4। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि गिटार कैसे बजता है। गिटार बजता है जब इसके तार वाइब्रेट होकर आवाज करते हैं। ये आवाज और तेज हो जाती है जब इसकी खोखली बॉडी भी वाइब्रेट करती है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय पिकी। बाय ब्लिपी। बाय डीबो। हमेशा गाते और बजाते रहो। अच्छा चलो, अब पिकनिक करते हैं। देखो कितनी सारी चींटियां हैं टैब्स, और वो सब एक साथ में चल रही है टैब्स। मुझे जानना है कि चींटियां लाइन में क्यों चलती हैं? अच्छा आइडिया है टैब्स, हम चींटी के साइज जितने श्रिंक होकर ये जान लेंगे। इसके लिए मुझे चाहिए स्पाइडर लेग्स। स्पाइडर लेग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। नमस्ते, स्वागत है, मैं अनीता हूँ और ये शानदार चींटियों का मेरा ग्रुप है। हे, मैं ब्लिपी हूँ
और ये है टैब्स। अनीता, हम ये जानने आए हैं कि चींटियां लाइन में क्यों चलती हैं। हमारी लाइन में आ जाओ और खुद जान जाओ। हम घर पर दलिया बनाने के लिए सामान लेने जा रहे हैं। वाह अनीता, बहुत मजा आएगा। वो तो है। अरे वाह मिराबल, इतनी स्वादिष्ट दिखने वाली चीज कहाँ से लाए हो तुम? जरा हमें भी बता दो। जानकारी देने के लिए ढेर सारा थैंक्स मिराबल। हम चींटियाँ अपने एंटेना से एक दूसरे को जानकारियाँ देते हैं। चलो आ जाओ। ओ, 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 ओ। कैसे हो पक्षी? हेलो हेलो अनीता। हेलो, हम यहाँ हैं, इसी रास्ते पर मेरे दोस्त। ये रास्ता है? दिख ही नहीं रहा है। दिखता नहीं है क्योंकि ये खुशबू से बना है। जब हम चलते हैं तो एक खुशबू छोड़ते हैं और पीछे आने वाली चींटियाँ अपने एंटीना की मदद से उसे सूंघ लेती हैं। तो चींटियों के पास नाक के बजाय एंटीना होता है क्या? अरे, तुम्हारे एंटीना हिल रहे हैं। सही कहा, मेरे एंटेना हिल रहे हैं क्योंकि उन्हें इस तरफ कुछ स्वादिष्ट खाना दिख रहा है। ध्यान से आओ, सड़क ऊबड़ खाबड़ है। अरे अनीता, तो हमें हमारे पिकनिक ब्लैंकेट पर ही ले आई। क्या बात है, चींटियों खाने पर टूट पड़ो। याद रखना, साथ मिलके हर सपना पूरा कर सकते हैं। अंगूर अच्छे हैं, अखरोट हेल्दी है, चीज और क्रैकर्स लजीज, मजा आ रहा है। यकीन ही नहीं हो रहा है कि चींटियां ये सब कुछ उठा सकती है। ये सच है, हम चींटियां अपने भार से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब सब उसी रास्ते पर चलते हुए वापस घर चलो। बिल्कुल, जैसे कदम कदम बढ़ाए जा। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं। चींटियां एक लाइन में चलती हैं क्योंकि आगे वाली चींटी अपने पीछे खुशबू की लकीर छोड़ती जाती है जिसे पीछे वाली चींटियां फॉलो करती हैं। जवाब अपलोड करो चैप्स। बाय अनीता, तुम लोगों के साथ कदम ताल करना अच्छा लगा। बाय बाय ब्लिपी। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। बस थोड़ा सा भी और थोड़ा फिर बाद में। क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है डिबो? ठीक है, कुत्तों को चॉकलेट नहीं मिल सकती, इससे उनके पेट में दर्द होता है। मैं सोचता हूँ आखिरकार चॉकलेट बार कैसे बनते हैं। अच्छा आइडिया है, हम उस चॉकलेट फैक्ट्री में जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। मुझे चाहिए विंग्स, होवरक्राफ्ट और एक प्रॉप इंजन। विंग्स, होवरक्राफ्ट और प्रॉप इंजन कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल तैयार है रोमांच के लिए। चलो मिलते हैं चॉकलेट फैक्ट्री के कुछ चॉकलेट पार्ट से। हेलो, तुम कोको बीन्स नहीं हो? मुझे जरूरत है ताकि हम चॉकलेट बार बनाना शुरू कर सके। मैं बीन नहीं हूँ, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। हाय ब्लिपी, हाय डिबो। मैं चॉकलेट बार बार्ब हूँ। मेरी चॉकलेट फैक्ट्री में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया बार्ब, मुझे ये देखना है कि चॉकलेट बार कैसे बनते हैं। क्या हम आपके साथ जा सकते हैं? बिल्कुल हाँ, ये सब कोको बीन से शुरू होता है। ये बीन्स पौधों से आती हैं। तो बीन्स चॉकलेट बार कैसे बनते हैं? वो एक छोटी यात्रा पर जाते हैं, सबसे पहले उनको नहलाया जाता है। इसके बाद सभी बीन्स को भूना जाता है, फिर वे नन्नी नन्नी बीन्स बन जाती हैं। और फिर सभी बीन्स पाउडर को चीनी और दूध के साथ मिलाकर मीठा और चिकना बनाया जाता है। चलो डिबो, इसकी करने का समय है। नहीं, लेकिन मजा आएगा। ये एक चॉकलेट बार डिबो है।
उसके बाद चॉकलेट के बार में ठंडा होने के बाद हम उन्हें लपेटते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। वाह, आप दोनों एक जैसे दिखते हैं और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब भी है। कैसे चॉकलेट बार बनते हैं? सारी बीन्स को धोकर गरम किया जाता है, क्रंच करके दूध और चीनी के साथ मिलाया जाता है और फिर चॉकलेट बार के आकार में ठंडा किया जाता है। उत्तर अपलोड करो डिबो। एक मीठी यात्रा के लिए शुक्रिया बार्ब। कभी भी। बाय ब्लिपी। बाय। डरो नहीं जीबो, ये असली मॉन्स्टर नहीं है, ये ट्रिक और ट्रीटर्स हैं, क्योंकि हैलोवीन चल रहा है। हाँ बिल्कुल जीबो, मैं तुम्हें ट्रिक और ट्रीट सिखा दूंगा। क्या किसी ने कहा ट्रिक और ट्रीट? वो हाय रीटा, ये मेरा दोस्त डीबो है। हाय जीबो, मैं रीटा द रकून हूँ और हैलोवीन मेरा फेवरेट हॉलीडे है। डरावने कॉस्ट्यूम्स के कारण? नहीं बुद्धू, मुफ्त खाना मिलता है। हाँ। अच्छा तुम सही टाइम पर आई हो, क्योंकि मैं और डीबो ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए जा रहे हैं। रुको डीबो, हमें चलने से पहले कुछ चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले हमें चाहिए कॉस्ट्यूम। ग्रेट आइडिया, हम भूत बनेंगे, बहुत मजा आएगा। भूत को भी तो देखने की जरूरत होती है। लो अब पहनो। मैं हूँ ब्लिपी भूत। तो हमारे साथ कराटे मास्टर वाला ट्रिक और ट्रीटिंग है और अब शेफ है। बहुत बढ़िया। हमारी कॉस्ट्यूम्स तैयार हैं। अब अगला स्टेप, हमारी ट्रीट रखने के लिए कंटेनर। जैको लैंटर्न पेल्स अच्छी रहेंगी। मेरी पहली ट्रीट। अब गलियों में घूमने चलते हैं। अंधेरा हो रहा है। चमकता हुआ भूत, क्या बात है। ठीक है, हमें उसी घर को चुनना है जो हैलोवीन के हिसाब से एकदम सजा हुआ है। फिर दरवाजा नॉक करो और कहो ट्रिक और ट्रीट, आ जाओ। वहाँ क्यों खड़े हो? ट्रिक और ट्रीट। थैंक यू, हैप्पी हैलोवीन। ये क्या? उफ। याद रखो, हर घर में एक ही बार जा सकते हैं और हमें एक ही कैंडी उठानी है। ट्रिक और ट्रीट। जैकपॉट। ये तो अगले हैलोवीन तक चलने वाली है। इससे मैं हर बार डर जाता हूँ। ट्रिक और ट्रीट। ट्रिक और ट्रीट। देखो मुझे क्या मिला। कितनी सारी ट्रीट्स मिल गई। मुझे और डीबो को ट्रिक और ट्रीट सिखाने के लिए थैंक्स रीटा। और याद रखो डीबो, ट्रिक और ट्रीट के लिए तुम्हें कॉस्ट्यूम और ट्रीट्स रखने के लिए एक बैग चाहिए। फिर घर घर जाओ, जगमगाते और सजे हुए घरों पर रुको, फिर बोलो ट्रिक और ट्रीट, तो बदले में ट्रीट्स मिलेंगी। और हमेशा साथ में कोई बड़ा होना चाहिए। हाँ, जवाब अपलोड करो डीबो। इस स्वीट सी नाइट के लिए थैंक्स रीटा। बाय ब्लिपी और डीबो, हैप्पी हैलोवीन। हैप्पी हैलोवीन। सलाद। ओह थैंक्स टैब, मुझे नहीं पता था कि ये पालक मेरे दांतों में फंस गया था। मुझे लगता है कि टूथब्रश मदद कर सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छा आइडिया है, हम मुंह में टूथब्रश से मिलने जा सकते हैं। टैब, मुझे अपने विंग्स चाहिए होंगे। विंग्स कंफर्म्ड।
आओ चलो एक्सप्लोर करें। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। ये छोटे होने और मुंह में जाने का समय है। छोटा होना शुरू। अब हम एक मुंह के अंदर हैं। तुम सही कह रहे हो टैब, हमें इन दांतों को साफ करने का एक तरीका चाहिए। क्या एक ब्रश मदद कर सकता है? नमस्ते, मैं बिल ब्रशी हूँ। और तुम कौन हो? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये मेरे साथ है टैब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि टूथब्रश का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। सही, आप सही ब्रश के पास आए हैं। मुझ पे सवार हो जाए, मैं आपको दांत साफ करने का अच्छा तरीका दिखाऊंगा। ठीक है। हे बिल ब्रशी, क्या टूथपेस्ट आपके ब्रश वाले हिस्से पर होता है? जी सर, ये दांतों को स्वस्थ और भोजन मुक्त रखने में मदद करता है। ठीक है, अब मैं आपको दांत ब्रश करने का सही तरीका बताता हूँ। आप हर दांत पर छोटे छोटे गोलाकार में ब्रश चलाएंगे। ठीक है, अब सामने का साफ हो गया है, चलो आप पीछे चलते हैं। हम मुड़े, हम पलटे, छोटे घेरों में गोल घूमते हैं। ठीक है, अब कुछ और गोल बनाएं। गोल गोल गोल। ये दांत डाढ़ियां मोलर हैं। मैं इन्हें चूकरू कहता हूँ क्योंकि ज्यादातर जमाने का काम करते हैं। मुझे पता है टैब, टूथ ब्रशिंग एक मजेदार सवारी है। वाह, मुझे लगता है कि मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। आप अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये सभी दांतों के आगे, पीछे और बीच में छोटे छोटे सर्कल मोशन में ब्रश करके साफ करता है और इससे दांतों के बीच से सारा खाना बाहर निकल जाता है और वे अच्छे और साफ हो जाते हैं। जवाब अपलोड करो टैब। आपकी मदद के लिए धन्यवाद ब्लिपी। सुपर स्पार्कलिंग दांतों के लिए दिन में 2 बार, हर बार 2 मिनट तक ब्रश करना याद रखें। हम जरूर याद रखेंगे। हमें साथ ले चलने के लिए धन्यवाद ब्रशी। अलविदा। मैं चांद देख रहा हूँ और तारे, क्या वो प्लेनेट है? ओ हाँ टैब, वाव, अंतरिक्ष में प्लेनेट और सूरज के साथ एक बहुत बड़ी जगह है, इसे सौरमंडल कहते हैं। मैं सोचता हूँ कि सौरमंडल में कौन कौन से प्लेनेट है टैब। अच्छा आइडिया है टैब, चलो अब अंतरिक्ष में चलते हैं। मुझे जरूरत है रॉकेट बूस्टर की। रॉकेट बूस्टर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। प्लेनेट का कार पाने का समय आ गया है। हम बड़े हो रहे हैं। हाँ टैब, हम अंतरिक्ष में हैं। वाह, ये उल्का है। हे, मैं हूँ ब्लिपी। पहाड़ी अंतरिक्ष में आपका स्वागत है, मैं हूँ मेरी उल्का। मैं यहाँ हमारे सारे सभी प्लेनेट के बारे में जानने आया हूँ मेरी। हमारे यहाँ सौरमंडल में 8 प्लेनेट हैं। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? धधकते सूरज के सबसे करीब 2 सबसे छोटे और 2 सबसे गर्म ग्रह मरकरी और वीनस हैं। वो, ये काफी गर्म है। हमें जाना चाहिए। तीसरा प्लेनेट है आपका घर अर्थ। हाय मॉम। फिर आता है मार्स, जो कि एक लाल ग्रह है। मार्स लाल ग्रह है क्योंकि ये जंग लगी मिट्टी में ढका हुआ है। अच्छा, यहाँ तो काफी सारी मिट्टी है। आओ चलें। आगे है विशाल जुपिटर, जो सभी ग्रहों से सबसे बड़ा है। हालांकि इससे मुझे डर नहीं लगता। वो, हमें जाना चाहिए। हम अब सूरज से बहुत दूर हैं। सैटर्न और उसके रिंग में आपका स्वागत है। वाह, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या हम करीब जा सकते हैं? बेशक। वो, रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। आपकी भाई और यूरेनस है, जो सूरज से अरबों मील दूर है। यहाँ बहुत ठंडा है। आइए अब जानते हैं सब
सबसे दूर हवा वाले और सबसे ठंडे प्लेनेट नेपच्यून के बारे में। वाओ, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। हमारे सौरमंडल में कौन से प्लेनेट हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जवाब अपलोड करो टैब। हमें घुमाने के लिए शुक्रिया मैरी, ये काफी रोमांचक था। फिर मिलते हैं ब्लिपी, अभी शावर का समय है। उल्का शावर। बाय बाय मैरी उल्का। अरे बाप रे, एक ज्वालामुखी। हाँ बिल्कुल डिबो, जब एक ज्वालामुखी फूटता है तो उसके ऊपर से धुआं और लावा निकलता है। मैं सोचता हूँ कि एक ज्वालामुखी फूटने की वजह क्या है। अच्छा आइडिया है, हम इसके अंदर जाकर पता लगाएंगे। मुझे चाहिए विंग्स स्पाइडर लेग्स और एक हीट शील्ड। विंग्स स्पाइडर लेग्स, हीट शील्ड कंफर्म। प्लेबी स्टेशन को एक्टिवेट करो। मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। चलो उस जगह से ज्वालामुखी के अंदर चलें। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। हाय दोस्तों, मैं हूँ मैगी, मैग्मा मॉन्स्टर। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। हमें पता करना है कि ज्वालामुखी क्यों फूटता है। तो ब्लिपी और डिबो, तुम्हें अब एक शानदार नजारा दिखेगा। जिससे याद आया, हमारे नीचे धरती के बहुत अंदर गर्मी से पत्थर पिघल जाते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं, जैसे कि मैं। आओ। तुम सही हो डिबो, ये हमारे फेवरेट गेम की तरह है। ये जमीन एक लावा है। आओ। वो मैग्मा लावा बनकर ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, तो शायद मैं ही जमीन हूँ। ये ऊपर आ रहा है क्योंकि नीचे जितने पत्थर पिघलेंगे उतना ही ज्यादा मैग्मा यहाँ के ऊपर आएगा और बाहर निकल जाएगा। hey, पता नहीं ये कहा जाता है। सब लोग लिपी। मैग्मा। बाल बाल बचे। मैगी, तुमने अब लगभग सारी जगह भर दी है। हाँ बिल्कुल, और मैं ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर बढ़ाऊंगी जब तक हम ऊपर बाहर ना निकल जाएं। जरा रुको, अभी मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। अब देखो कैसा है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैगी, तुमने तो धमाका कर दिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि ज्वालामुखी क्यों फूटता है। जब गर्म मैग्मा ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर बनाता है तो वो सतह को फोड़कर बाहर निकल जाता है धमाके से। उत्तर को अपलोड करो डिबो। ये मजेदार था ब्लिपी, मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। बिल्कुल। बाय बाय मैगी। सही कह रहे हो डिबो, ये सचमुच कंगारू क्रॉसिंग है और हम है ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे लगता है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कंगारू कब उछल के वो सामने आ जाए। क्या शानदार छलांग है। मैं सोचता हूँ कि कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। अच्छा आइडिया है, हम उस कंगारू से पूछ सकते हैं। मुझे इस काम के लिए मेंढक के पैरों की जरूरत होगी। मेंढक के पैर कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हम आउटबैक में हैं, तो चलो कंगारू ढूंढते हैं। हेलो, मैं रूनी हूँ। आप अपनी गोल कार में यहाँ पर क्या देखने आए हैं? हाय रूनी, मैं हूँ ब्लिपी और ये डिबो है।
हम देखना चाहते हैं कि कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। खैर मैं आपके मोबाइल जितना ऊंचा कूद सकती हूँ, लेकिन छलांग उससे भी ज्यादा लगा सकती हूँ। रोनी काफी ऊंची और बहुत तेज उछल रही है। हाँ, तुम खुद में बहुत तेज हो। क्या तुम दौड़ के लिए तैयार हो? काफी मजा आएगा। ठीक है, चलो उस बड़े सैंडस्टोन पत्थर के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। हम उसे उनरू कहते हैं या आयर्स रॉक। वाओ, ये काफी अच्छा है। जो पहले यहाँ पहुँचा वो जीतेगा। चलो रोनी। वैसे रास्ते में शायद एक या दो फैंस आएंगे। बताने के लिए शुक्रिया। आओ ब्लिपी, छलांग लगाओ। वाह, सावधान, ये 6 फीट ऊंची है। काफी अच्छी छलांग, और भी ऊपर जाने के लिए तैयार हो? 10 फीट के बारे में क्या ख्याल है? ये सबसे अच्छे जंपर को आज हमने देखा है। और अब मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है। कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं? कंगारू जमीन से 10 फीट ऊपर तक छलांग लगा सकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हुर्रे, मजेदार था ब्लिपी। अब मुझे थोड़ा ठंडा होना है, इसलिए मैं अपना हाथ चाट रही हूँ। बाय बाय। ये मकड़ी का जाला बहुत सुंदर है। सही कहा डिबो, मकड़ी के जाले में बहुत सुंदर डिजाइन होते हैं। मैं कभी सोचता हूँ मकड़ियाँ अपना जाल कैसे बनाती हैं। हाँ, चलो कुछ मकड़ी के जाले ढूंढते हैं। मुझे जरूरत है विंग्स की और मकड़ी के पैरों की। विंग्स, मकड़ी के पैर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। बुलजोर, मैं स्पेंसर हूँ। आप सही समय पर पहुँचे। ये मेरा नया डिजाइन बनाने का समय है। हे, मैं हूँ ब्लिपी। क्या आप जाला बनाने वाले हैं? जी, ये मेरा सबसे बड़ा जाला होगा, अब तक का सबसे महान जाला। मदद करना चाहते हैं? हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ कि मकड़ी अपना जाला कैसे बनाती हैं। बनाने का समय आ गया। डीबो, मैं अभी आता हूँ। ब्लिपी, क्या तुम मेरे टेस्टर हो सकते हो? मेरे जाले के बीच में कुछ ट्रायंगल के साथ एक गोलाकार का डिजाइन होगा। अपना जाला बनाने के लिए आप किस तरह के धागे का इस्तेमाल करते हैं? मैं रेशम के धागों का उपयोग करता हूँ, जो मैं खुद बनाता हूँ। वो मेरे पेट से निकलते हैं। एक मकड़ी या कीड़े के लिए ये तार स्टील की तरह मजबूत होते हैं। ये कितना कूल है। अब मेरे इस आकार को पूरा करने के लिए एक गोला बनाएंगे। क्या आप इस स्टैंड को इस जगह पकड़ सकते हैं ब्लिपी? हाँ। वाह, ये तो बिल्कुल गोल है। एकदम सही। इसे देखने के लिए तुम्हें झूलना पड़ेगा। इस धागे को पकड़ो ब्लिपी। वाओ, अमेजिंग। रुको, क्या वो आपके जाले में मेरी तस्वीर है? तुम ही हो। मास्टरपीस। अब आप इसको पकड़ सकते हैं। इसमें उछलिए, देखे कि क्या ये आपको पकड़ सकता है। वाओ, चिपचिपा हिस्सा कीड़े को पकड़ के खाने के लिए। तुम्हारा जाला काफी सुंदर और उपयोगी है स्पेंसर, और तुमने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया। मकड़ी अपना जाला कैसे बनाती हैं? वे एक कूल गोलाकार डिजाइन के साथ जाला बनाने के लिए सुपर मजबूत और चिपचिपे रेशमी धागे का इस्तेमाल करते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हमें ये दिखाने के लिए धन्यवाद कि आप एक पूरा जाला कैसे बनाते हैं। बाय बाय। बाय बाय।
वो तालाब में तैरती उन बत्तखों को ध्यान से देखो। वो बिल्कुल सही डिबो, कुछ तो वजह है जो बत्तखें पानी में डूबती नहीं है। मैं सोच रहा हूँ बत्तखें कैसे तैरती हैं। अच्छा आइडिया है डिबो, चलो उस वाली से पूछते हैं। मुझे बत्तख के पैर और पंख चाहिए। डकफिक विंग्स कंफर्म। प्रीपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। प्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। इधर आओ बत्तख प्यारी। हूँ छोटी बत्तख। वो बड़ी बत्तख। रुक जाओ डिबो। हे, मैं हूँ प्लिपी और ये है डिबो। ओ हेलो प्लिपी और डिबो, मैं हूँ डेकलेन। तालाब में स्वागत है। तुम लोग तैरने आए हो? दरअसल हम यहाँ ये जानने आए हैं कि तुम तैरते कैसे हो। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। हम बत्तखें हमारे पैर कमाल के होते हैं, देखना चाहोगे? अच्छा आइडिया है। ओ देखो इसे। हम पास नहीं जा पा रहे। तुम सही हो, हमारे पास दूरबीन है। वो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे पंजे जुड़े हुए हैं। डिबो सही था, तुमने पैर चलाना बंद कर दिया पर फिर भी तुम तैर रहे हो। जरूर मेरे पैरों की वजह से मैं तैर रहा हूँ। मेरे पास आइडिया है। मुझे लगता है तैरने में हमारे पंख भी बहुत काम आते होंगे। हे टेरी, ब्लिपी को तुम्हारे पंख देखने दो। ये तो पंखों का टनल है और पंखों में तेल भी लगा हुआ है। हम एक खास तेल बनाते हैं जिससे हमारे पंख वाटरप्रूफ रहते हैं। वाटरप्रूफ पंख। वो क्या ये एक बबल है? बबल्स? क्या मतलब है तुम्हारा? ये हवा है। हवा के बुलबुले पंखों के बीच बलून की तरह तैर रहे हैं। तो ये बबल्स हम बत्तखों को पानी के ऊपर रखते हैं। हे टेरी, हमारे पंखों में हवा के बुलबुले हैं। ये सच है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि बत्तख कैसे तैरती हैं। बत्तख के पंख हवा के बुलबुलों को फंसाते हैं और हवा पानी में तैरती है, तो बत्तख भी तैरती हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। इस सब के लिए शुक्रिया डेकलिन। बाय बाय, तैरते रहो। बाय ब्लिपी। हे, ये तो कचरा ट्रक है, मैं इसे देख सकता हूँ और सूंघ सकता हूँ। वाह टैब, यहाँ तक कि तुमको भी बदबू आ रही है जबकि तुम एक रोबोट हो। रुको, ये भिन भिनाहट की आवाज कहाँ से आ रही है? ओह मक्खियाँ। हे देखो टैब, वो मक्खियाँ कचरे के ट्रक में चली गई। मेरा एक सवाल है, आखिरकार मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है? अच्छा आइडिया है टैब, हम जवाब जानने के लिए कचरा ट्रक में जा सकते हैं। इसके लिए हमें विंग्स चाहिए। विंग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आइए जाने की मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है। हम छोटे हो रहे हैं। अपनी सांसें पकड़ो टैब। हम अंदर जा रहे हैं कचरा ट्रक में। आपका स्वागत है, मैं हूँ मक्खी होरेस। ऐसा लग रहा है आप यहाँ पहली बार आए हो। हेलो होरेस, मैं ब्लिपी हूँ। हाँ, मैं पहली बार कचरा ट्रक के अंदर आया हूँ। थोड़ा बदबूदार है। मेरे लिए नहीं, मुझे गंद पसंद है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये मेरे लिए खेलने की जगह है। ओ नहीं, इसके लिए माफी चाहता हूँ। हे होरेस, मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है? क्योंकि ये स्वादिष्ट है और कचरा मुझे उड़ान देता है। हमारे पास बदबूदार बीन्स, सड़ा हुआ पनीर, चिकना पिज्जा बॉक्स और यहाँ तक की बचे हुए मिस्ट्री मैश भी हैं। सॉरी, ये शायद बीन्स की वजह से है। मैं तुम्हें नजदीकी बगीचे या फ्लाई रेस्तरा की सवारी दे सकता हूँ होरेस।
हॉरेस, तुम कहाँ हो? बहुत कुछ नया कचरा आ रहा है। ओ, ये केक है। अरे नहीं, ये केक नहीं था। हालांकि अभी भी अच्छा है, इसमें कूद जाओ और सारा कचरा खाओ। हॉरेस में अब काफी शक्ति आ गई है। आहा, मुझे लगता है कि मेरे पास इसका जवाब है, क्यों मक्खियाँ कचरे की तरफ जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें गंध पसंद है और वहाँ भोजन ढूंढती हैं। ये एक पागलपन है। उत्तर अपलोड करो टैब। हाँ सर ब्लिपी, तुम जानते नहीं मेरे लिए कचरा ट्रक है। 24/7 रेस्तरा है जहाँ मैं जब चाहे खा सकता हूँ। जाओ हॉरेस। थैंक्स। चीयर्स ब्लिपी। बारिश जल्द ही चली जाएगी टैप। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने अभी मजेदार पेंटिंग खत्म की है। बता सकते हो ये क्या है? वाह टैप, बिल्कुल सही। ये एक पेंगुइन है जो रोलर ब्लेंडिंग करते हुए कप पकड़े हुए है। वाओ, इतने सारे रंग। वाह, इंद्रधनुष, इतने सारे रंग। मुझे ये बताओ टैप, इंद्रधनुष अपने रंग कहाँ से लाता है? एक आइडिया है टैप, हम ऊपर उड़ सकते हैं और इंद्रधनुष से पूछ सकते हैं, लेकिन पहले मुझे विंग्स चाहिए। विंग्स कंफर्म। चलो जाके ढूंढते हैं। ब्लिपी, स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। चलिए जानते हैं कि इंद्रधनुष अपने रंग कहाँ से लाता है। भाइयों और बहनों, कृपया ध्यान दें, प्रकृति के सबसे बड़े प्रभावक को प्रस्तुत करते हुए नीला आकाश गौरव महसूस करता है। मैं बॉबी। वाह, हेलो, मैं ब्लिपी हूँ। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ बॉबी, मुझे तुम्हारे सारे रंग पता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे अपने रंगों पे नाज है। मैं तुमको एक एक करके दिखाता हूँ। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैंगनी। शाबाश, सही बताया ब्लिपी। तुम्हें पता है आज एक बड़ा दिन है, हम आज दोहरा शो स्टॉपर इंद्रधनुष दिखाएंगे। सच? मुझे अच्छा लगा, पर मुझे नहीं पता तुमको ये रंग कहाँ से मिलते हैं। क्या मुझे दिखा सकते हो? बेशक सुपर फैन ब्लिपी। पहले इस फूले हुए बादल को देखे, जिसे क्यूमुलस क्लाउड कहा जाता है। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी बारिश हुई है, जो कि सही है। इसका मतलब है कि हवा में पानी की बहुत सारी बूंदे हैं। वाह, इस बादल में काफी सारी छोटी छोटी पानी की बूंदे हैं। हैशटैग सही। ठीक है, अगला कदम, बादल को इस तरह रखे कि सूरज की रोशनी पानी की बूंदों से इस तरह चमके। अब जब रोशनी पानी से होकर जाती है तो वो झुक जाती है या अपरिवर्तित हो जाती है और प्रकाश को इंद्रधनुष के सभी रंगों में अलग कर देता है। ये तो शानदार है। मेरे ख्याल से मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया कि इंद्रधनुष अपने सारे रंग कहाँ से लाता है। ये तब होता है जब सूरज की रोशनी पानी से होकर जाती है, तो ये रोशनी को मोड़ देता है और रोशनी को इंद्रधनुष के सभी रंगों में अलग कर देता है। जवाब को अपलोड करो टैप। आहा, 5, 6, 7, 8। वाओ, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसे हैं आप? अच्छा तो ठीक है, फिर मिलेंगे। हेलोवीन सबसे मजेदार है टैप, और मुझे ट्रिक या ट्रीटिंग भी पसंद है। हे देखो, हॉन्टेड हाउस। वाह, सारी सजावट देखो, ये कितना कूल है। तुम सही कह रहे हो टैप, हो सकता है कि अंदर ट्रीट्स हो। मुझे आश्चर्य है, एक हॉन्टेड हाउस के अंदर आखिर क्या हो सकता है। चलो पता करते हैं। तैयार हो टैप? टैप, मुझे टैप को ढूंढने के लिए हॉन्टेड हाउस में जाना चाहिए, इसमें मजा आएगा। हेलो, मैं ब्लिपी हूँ। मैं अपने दोस्त टैप को ढूंढ रहा हूँ, क्या आपने उसे देखा है? हेलो ब्लिपी, मैं मिस्टर पम्पकिन हूँ। क्या वो भूत था? शायद, हाँ, मैंने टैप को नहीं देखा, पर तुम उसे इस हाउस में ढूंढ सकते हो, जहाँ काफी चमत्कारी चीजें हैं, जो मजेदार भी है। वाह,
शायद मेरे दोस्त बोन्स ने टैप को देखा हो। वो बेसमेंट में है। मैं सीढ़ियों से देखना शुरू करता हूँ। ठीक है। वो वो एक स्लाइड में बदल गया। मिस्टर पंपकिन, टैप, हेलो। सॉरी। चिंता मत करो, बोन्स के साथ ये अक्सर होता है। शायद उसने टैप को देखा हो। मैं इसे पहले उठा लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता। वो, 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 हो, हो। फिर से माफ करना बोन्स। वाह, हो सकता है कि उड़ता हुआ भूत जानता है कि टैप कहाँ है। इसका पीछा करते हैं। हेलो डायन, बाय डायन। मुझे लगता है कि रास्ता यही खत्म है। मुझे आश्चर्य कि सब कहाँ गए। कूल, एक घूमती हुई दीवार। वाह, बधाई हो ब्लिपी, तुम मेरे हॉन्टेड हाउस पूरा घूमने में सफल हुए। ट्रिक्स खत्म हो गई है, लेकिन अब ट्रीट का समय आ गया है। एक मिनट, मुझे लेकिन अभी तक टैब नहीं दिखा। टैब, तो तुम्हें इतनी देर से भूत बने घूम रहे थे। अब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया कि हॉन्टेड हाउस के अंदर आखिरकार क्या है। मजेदार, डरावना कंकाल, मकड़ी का जाला, एक बात करने वाला कद्दू, मकड़ियाँ, एक डायन, एक तैरता हुआ टैप का भूत। उत्तर अपलोड करो टैप। हमें अपने घर में मौज मस्ती करने देने के लिए धन्यवाद मिस्टर पंपकिन। हैप्पी हैलोवीन। हैप्पी हैलोवीन। वाह, उछलती हुई रेत के टीले, यहाँ तक कि बाउंसर भी। वाह, क्या अद्भुत रेत का महल है। लहर आ रही है। ओ नहीं, उस लहर और महल का कोई मुकाबला नहीं था। मुझे आश्चर्य है, क्या मैं एक रेत का महल बना सकता हूँ जो बह नहीं पाए। तुम सही हो टैप, पता लगाने का एक ही तरीका है। मुझे अपना खुद का एक रेत का महल बनाने की जरूरत है। मुझे खुदाई करने वाले हाथ और मकड़ी के पैरों की आवश्यकता होगी। खुदाई करने वाले हाथ, मकड़ी के पैर तैयार। ब्लिपी, स्टेशन को एक्टिवेट किया जाए। ब्लिपी मोबाइल कार्रवाई के लिए तैयार है। चलो एक रेत का महल बनाते हैं जो बह नहीं पाएगा। अब हमें खुद से रेत के महल का आकार बनाने की जरूरत है। हम छोटे हो रहे हैं। उस ठंडी समुद्री हवा को महसूस करो टैप। वाह, हेलो, मैं हूँ केकड़ा और मेरा नाम है क्रैबी। आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा क्रीडी, मुझे अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं। हेलो क्रैबी, मैं ब्लिपी हूँ और ये है मेरी ब्लिपी मोबाइल। मुझे ये काफी पसंद आया, तो क्या तुम मजे के लिए इस पर सवार हो? सही कहा क्रैबी, मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ कि ऐसा रेत का महल बना सकूँ जो पानी से बह न सके। तुम बिल्कुल सही केकड़े के पास आए हो। मैं खोदता हूँ और महल बनाता भी हूँ। मैं मदद कर सकता हूँ ब्लिपी। बढ़िया, तो पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो एक मोट बनाना। यह गड्ढे के लिए एक फैंसी शब्द है। गड्ढे की वजह से पानी उसमें चला जाता है और उसके पीछे जो कुछ है उसे नहीं बहा पाता है। तो चलो खोदते हैं। खोदो खोदो खोदो, खोदो 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 खोदो। वाह, क्या गड्ढा बनाया। चलो अब रेत का महल बनाते हैं। तुम सही हो टैप, हमें एक फावड़ा चाहिए। काम खत्म, महल तैयार है। तुम पहले ही बना चुके हो और हमारा गड्ढा बिल्कुल सही बना है। मोट वो गड्ढा है जो हमने रेत के महल के चारों ओर बनाया है। अच्छा गड्ढा और रेत का एक सुंदर महल। लहर आ रही है। खाई ने काम किया क्रैबी, इसका मतलब है कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्या मैं एक रेत का महल बना सकता हूँ जो धुलता नहीं है? मैं पानी रोकने के लिए इसके चारों ओर एक गड्ढा बना सकता हूँ। उत्तर अपलोड करो टैब। थैंक्स क्रैबी, बाद में मिलते हैं ब्लिपी, काम करते रहो। वो।
वाह टैब, ये उछलता हुआ महल इस दुनिया का नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ चांद पर उछलने में कैसा लगेगा। बेहतरीन आइडिया टैब, हम चांद पर जाकर पता लगा सकते हैं। मुझे एक रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स चाहिए। रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स कंफर्म। ठीक है, चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक धमाका करने के लिए तैयार है और वहाँ है चांद। वाओ! ठीक है, उतरने का समय आ गया। मुझे गुदगुदी हो रही है। तुम कौन हो? मेरा नाम रॉकी द मोर रॉक है, क्योंकि मैं हूँ एक चट्टान। हे रॉकी, मेरा नाम है ब्लिपी और इसका नाम है टैब। हम यहाँ पर यह पता लगाने के लिए आए कि चांद पर उछलना कैसा लगता है। एक चट्टान होने के नाते मैंने इसे खुद कभी नहीं आजमाया, लेकिन मुझे देखने दो कि क्या मैं उठ सकता हूँ। ठीक है, चलो फिर उछलते हैं। चा, मैं एक पंख की तरह हल्का महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे इसमें इतना मजा आएगा। मैं काफी हैरान हूँ कि हम यहाँ इतने लंबे समय तक तैर रहे हैं और नीचे आने में इतना समय क्यों लग रहा है। ये है ग्रेविटी के कारण। ये वो शक्ति है जो चांद के जूतों को जमीन पर रखती है और ये चीजों को वापस नीचे खींचती है। लेकिन 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 पृथ्वी की तुलना में चांद के चारों ओर कम ग्रेविटी है, क्योंकि चांद बहुत छोटा है, इसलिए इतने लंबे समय तक हम तैरते रहते हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चांद पर कैसे उछलते हैं। ये बहुत मजेदार है और उछाल वास्तव में बहुत ऊंचा है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण या फिर कहीं ग्रेविटी है। उत्तर अपलोड करो टैब। हमें ऐसा लगता है कि हम तैर रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी धीरे धीरे हमें नीचे की ओर खींच रही है। चा। मेरे यानी रॉकी द मून रॉक के साथ सबसे बेहतरीन समय बिताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। वाह रॉकी, उछलते रहो ब्लिपी। सलाद। ओह थैंक्स टैब, मुझे नहीं पता था कि यह पालक मेरे दांतों में फंस गया था। मुझे लगता है कि टूथब्रश मदद कर सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छा आइडिया है, हम मुंह में टूथब्रश से मिलने जा सकते हैं। टैब, मुझे अपने विंग्स चाहिए होंगे। विंग्स कन्फर्म। आओ चलो एक्सप्लोर करें। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। ये छोटे होने और मुंह में जाने का समय है। छोटा होना शुरू। अब हम एक मुंह के अंदर हैं। तुम सही कह रहे हो टैब, हमें इन दांतों को साफ करने का एक तरीका चाहिए। क्या एक ब्रश मदद कर सकता है? नमस्ते, मैं बिल ब्रशी हूँ। और तुम कौन हो? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये मेरे साथ है टैब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि टूथब्रश का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। सही, आप सही ब्रश के पास आए हैं। मुझ पे सवार हो जाए, मैं आपको दांत साफ करने का अच्छा तरीका दिखाऊंगा। ठीक है। हे बिल ब्रशी, क्या टूथपेस्ट आपके ब्रश वाले हिस्से पर होता है? जी सर, ये दांतों को स्वस्थ और भोजन मुक्त रखने में मदद करता है। ठीक है, अब मैं आपको दांत ब्रश करने का सही तरीका बताता हूँ। आप हर दांत पर छोटे छोटे गोलाकार में ब्रश चलाएंगे। ठीक है, अब सामने का साफ हो गया है, चलो आप पीछे चलते हैं। हम मुड़े, हम पलटे, छोटे घेरों में गोल घूमते हैं। ठीक है, अब कुछ और गोल बनाए। गोल गोल गोल। ये दांत डाढ़ियां मोलर है, मैं इन्हें चोकरू कहता हूँ, क्योंकि ज्यादातर चबाने का काम करते हैं।
मुझे पता है टैब, टूथब्रशिंग एक मजेदार सवारी है। वाह! मुझे लगता है कि मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। आप अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये सभी दांतों के आगे, पीछे और बीच में छोटे छोटे सर्कल मोशन में ब्रश करके साफ करता है और इससे दांतों के बीच से सारा खाना बाहर निकल जाता है और वे अच्छे और साफ हो जाते हैं। जवाब अपलोड करो टैब। आपकी मदद के लिए धन्यवाद ब्लिपी। सुपर स्पार्कलिंग दांतों के लिए दिन में 2 बार, हर बार 2 मिनट तक ब्रश करना याद रखें। हम जरूर याद रखेंगे। हमें साथ ले चलने के लिए धन्यवाद ब्रशी। अलविदा। मैं चांद देख रहा हूँ और तारे, क्या वो प्लेनेट है? ओ हाँ टैब, वाव! अंतरिक्ष में प्लेनेट और सूरज के साथ एक बहुत बड़ी जगह है, इसे सौर मंडल कहते हैं। मैं सोचता हूँ कि सौर मंडल में कौन कौन से प्लेनेट है टैब। अच्छा आइडिया है टैब, चलो अब अंतरिक्ष में चलते हैं। मुझे जरूरत है रॉकेट बूस्टर की। रॉकेट बूस्टर कंफर्म्ड। प्लेबी स्टेशन को एक्टिवेट करो। प्लेनेट का आकार पाने का समय आ गया है। हम बड़े हो रहे हैं। हाँ टैब, हम अंतरिक्ष में हैं। वाह, ये उल्का है। हे, मैं हूँ ब्लिपी। पहाड़ी अंतरिक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूँ मेरी उल्का। मैं यहाँ हमारे सारे सभी प्लेनेट के बारे में जानने आया हूँ मेरी। हमारे यहाँ सौर मंडल में 8 प्लेनेट हैं। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? धधकते सूरज के सबसे करीब 2 सबसे छोटे और 2 सबसे गर्म ग्रह मरकरी और वीनस हैं। वाह, ये काफी गर्म है। हमें जाना चाहिए। तीसरा प्लेनेट है आपका घर अर्थ। हाय मॉम। फिर आता है मार्स, जो कि एक लाल ग्रह है। मार्स लाल ग्रह है क्योंकि ये जंग लगी मिट्टी में ढका हुआ है। अच्छा, यहाँ तो काफी सारी मिट्टी है। आओ चलें। आगे है विशाल जुपिटर, जो सभी ग्रहों से सबसे बड़ा है। हालांकि इससे मुझे डर नहीं लगता। वो हमें जाना चाहिए। हम अब सूरज से बहुत दूर हैं। सैटर्न और उसके रिंग में आपका स्वागत है। वाह, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या हम करीब जा सकते हैं? बेशक। वो रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। आपकी बाई ओर यूरेनस है, जो सूरज से अरबों मील दूर है। यहाँ बहुत ठंडा है। आइए अब जानते हैं सबसे दूर हवा वाले और सबसे ठंडे प्लेनेट नेपच्यून के बारे में। वाओ, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। हमारे सौर मंडल में कौन से प्लेनेट हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जवाब अपलोड करो टैब। हमें घुमाने के लिए शुक्रिया मैरी, ये काफी रोमांचक था। फिर मिलते हैं ब्लिपी, अभी शावर का समय है। उल्का शावर। बाय बाय मैरी उल्का। अरे बाप रे, एक ज्वालामुखी। हाँ बिल्कुल डिबो, जब एक ज्वालामुखी फूटता है तो उसके ऊपर से धुआं और लावा निकलता है। मैं सोचता हूँ कि एक ज्वालामुखी फूटने की वजह क्या है। अच्छा आइडिया है, हम इसके अंदर जाकर पता लगाएंगे। मुझे चाहिए विंग्स स्पाइडर लेग्स और एक हीट शील्ड। विंग्स स्पाइडर लेग्स, हीट शील्ड कंफर्म। प्लेबी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। चल
चलो उस जगह से ज्वालामुखी के अंदर चलें। वो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। हाय दोस्तों, मैं हूँ मैगी मैग्मा मॉन्स्टर। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। हमें पता करना है कि ज्वालामुखी क्यों फूटता है। तो ब्लिपी और डिबो, तुम्हें अब एक शानदार नजारा दिखेगा जिससे याद आया। हमारे नीचे धरती के बहुत अंदर गर्मी से पत्थर पिघल जाते हैं जिसे मैग्मा कहते हैं, जैसे कि मैं। आओ। तुम सही हो डिबो, ये हमारे फेवरेट गेम की तरह है। ये जमीन एक लावा है। आओ। वो। मैग्मा लावा बनकर ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो वो। शायद मैं ही जमीन हूँ। ये ऊपर आ रहा है क्योंकि नीचे जितने पत्थर पिघलेंगे उतना ही ज्यादा मैग्मा यहाँ के ऊपर आएगा और बाहर निकल जाएगा। हे, पता नहीं ये कहा जाता है। सब लोग लिपी। मैग्मा। बाल बाल बचे। मैगी, तुमने अब लगभग सारी जगह भर दी है। हाँ बिल्कुल, और मैं ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर बढ़ाऊंगी जब तक हम ऊपर बाहर ना निकल जाएं। जरा रुको, अभी मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। अब देखो कैसा है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैगी, तुमने तो धमाका कर दिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि ज्वालामुखी क्यों फूटता है। जब गर्म मैग्मा ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर बनाता है तो वो सतह को फोड़कर बाहर निकल जाता है धमाके से। उत्तर को अपलोड करो डिबो। ये मजेदार था ब्लिपी, मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। बिल्कुल। बाय बाय मैगी। सही कहा डिबो, इस क्रिसमस ट्री की लाइट्स तो ऑन ही नहीं है और लाइट्स क्रिसमस की मेरी पसंदीदा चीजों में से एक है। हाँ, पर क्या तुम्हें पता है क्रिसमस की सबसे अच्छी बात क्या होती है? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। हाय, मैं हूँ बैरी द स्नोमैन। तो ब्लिपी, तुम्हें पता है कि क्रिसमस का बेस्ट पार्ट क्या होता है? मुझे नहीं पता। मुझे जानना है कि आखिर क्रिसमस का बेस्ट पार्ट क्या है। ओ, मेरी लिए नोट है। ओ ओ, खोल के पढ़ो, इसमें क्या है? इसमें लिखा है, अगर तुम्हें जानना है क्रिसमस के दिन का असली मतलब तो जाओ इस एडवेंचर पर उस तरफ। इस एडवेंचर पर होंगे क्लूज जिनसे मिलेंगे हमें और क्लूज। उस तीर के निशान की तरफ चलते हैं। अरे नहीं, गेट पर तो ताला लगा है। शायद मैं खोल सकता हूँ। बहुत बढ़िया बैरी। वो देखो, उस कैंडी केन्स के रास्ते से पहाड़ी पर जाना है। अरे वहाँ देखो, आखिरी कैंडी कैन पर एक नोट चिपका हुआ है, अगर अगला क्यों चाहिए तो हो जाओ तैयार, पार करो रास्ता और वो रहा तार। तार तो वो रहा, पर उसे पकड़ना किससे है? पहाड़ी को कैसे पार करें? क्या ये भी मेरी नाक से कर सकते हैं? मैं हेल्प करूं? हाय, मैं कैंडी हूँ, मैं तुम्हें पार पहुँचा सकती हूँ। एकदम टाइम पकड़ना। थैंक्स कैंडी। अरे ये देखो, जानना चाहते हो अगला क्लू? पार करो जंगल और फिर बन जाओ गुरु। हाँ, जंगल के रास्ते में होना चाहिए, इस तरफ। हमें किस तरफ जाना चाहिए? मुझे लगता है इस तरफ। नहीं नहीं, मुझे लगता है इस तरफ। हाय हाय, मैं हॉली हूँ। तो ये तुम लोगों का लकी हॉली डे है। मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल सकती हूँ, मेरे पीछे आओ। थैंक्स हॉली। ये तो वही क्रिसमस ट्री है डिबो। अरे देखो, यहाँ एक क्लू है। मनाना चाहते हो क्रिसमस झकास? तो ढूंढो हैट के नीचे क्लू आसपास। क्या वो हैट तुम्हारी है बैरी? क्या तुम ही ने ये पूरा क्रिसमस स्कैवेंजर हंट प्लान किया था? हाँ, मैंने किया है। ये सबको साथ में लाने के लिए मैंने प्लान किया था, क्योंकि यही
क्रिसमस का बेस्ट पार्ट होता है। ओ, ये लो तुम्हारा फाइनल क्लू। अगर तुम चाहते हो क्रिसमस का असली आनंद लेना, तो लगा दो इसे ऊंचे क्रिसमस ट्री पर, जैसे हो एक गहना। ये है ऊंचा क्रिसमस ट्री, पर इतने ऊपर स्टार को कैसे लगाए? हाँ, रुको, हम एक दोस्ताना सीढ़ी बना सकते हैं। तुम लोग एकदम स्मार्ट लग रहे हो, और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि क्रिसमस का एक सबसे बेस्ट पार्ट है छुट्टी का दिन अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ बिताना। जवाब अपलोड करो जीबो। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हैप्पी हॉलिडे सभी को। बिल्कुल सही कहा डीबो, ये कुकीज सांता के लिए है जब वो आज रात हमारे प्रेजेंट लेके आएंगे। अच्छा सवाल है डीबो। मैं सोच रहा हूँ सांता को कैसे पता कि हम कहाँ रहते हैं। हे, रुक जाओ, बहुत जरूरी। ओ हे छोटे से बॉट, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ स्नोबो। हे स्नोबो, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। क्या तुम खो गए हो? बहुत जरूरी। चिंता मत करो स्नोबो, डीबो और मैं तुम्हें घर पहुँचाने में हेल्प करेंगे। शायद डीबो को कुछ मिल गया है। आओ स्नोबो, चलो चलते हैं। तो यहाँ कोई रास्ता नहीं है, हमें मजेदार तरीके से नीचे उतरना होगा। फिसल कर। बहुत जरूरी। बोट के पीछे चलो। बहुत जरूरी। वाओ, ये इसके पास रहने की कोशिश करो डीबो। डीबो, स्नोबो, क्या तुम दोनों ठीक हो? बहुत जरूरी। ये क्या है स्नोबो? वो अरे नहीं, स्नोबो, हमें उसे पकड़ना होगा। आ जाओ डीबो। बहुत जरूरी। स्नोबो, डीबो, ओ नो, डीबो, क्यू, पकड़ लिया नटखट नन्हे बॉट। किसी ने इतना क्रिसमसी घर पहले कभी देखा है? स्नोबो, तुम आ गए, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। हे सांता, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हेलो ब्लिपी और डीबो, थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने मेरे स्नोबो को यहाँ तक लाने में हेल्प की। इसे आज रात एक बहुत जरूरी काम करना था, पता है? बहुत जरूरी। देखो स्नोबो, मेरी नई स्लेह को चलाने में हेल्प करती है। स्नोबो के बिना मैं दुनिया भर के बच्चों तक प्रेजेंट्स नहीं पहुंचा पाता। सांता, मैं सोच रहा था आपको कैसे पता है कि कौन कहाँ रहता है? जादू से। मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। सांता को कैसे पता कि हम कहाँ रहते हैं? उनके जादू से। जवाब अपलोड करो डीबो। क्या तुम राइड करना चाहोगे? हाँ, जरूर करना चाहेंगे। बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये हम चले। मैरी क्रिसमस और हैप्पी हॉलीडेज। ओह, आज बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन मेरी पॉप्सिकल पिघल कर नीचे जा रही है। मुझे आश्चर्य है, पॉप्सिकल मेरे हाथ से नीचे पिघलते हुए क्यों बह रही है? ये क्या है टैप? आइसक्रीम ट्रक में जाते हैं और किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है, मुझे खुदाई करने वाले बत्तख और पंखों की आवश्यकता होगी। पंख और खुदाई करने वाले बत्तख के पैर तैयार हैं।
ब्लीपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लीपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आओ जाने कि मेरा पॉप्सिकल हमेशा मेरे हाथ से नीचे क्यों पिघलता है। हम छोटे हो रहे हैं। वाह, हम आइसक्रीम ट्रक में पहुंच गए। हाय, इस ट्रक में आपका स्वागत है। मैं शेरी पॉप हूँ, मुझे खुशी है कि आप आए। हेलो शेरी, मैं ब्लीपी हूँ। मैं सोच में पड़ गया हूँ कि मेरी पॉप्सिकल नीचे क्यों बहती है। मुझे पता है क्यों, लेकिन सबसे पहले हम ठंड का मजा उठाते हैं। बिल्कुल, वूहू, हम आइसक्रीम बोर्डिंग कर रहे हैं। हम स्प्रिंकल से होते हुए स्लाइड कर रहे हैं। अब हम चॉकलेट में स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। शेरी, क्या तुम पिघल रहे हो? हाँ, मैं पिघल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत गर्म हो गया हूँ, लेकिन मैं फ्रिज में ठंडा हो जाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। बर्फ की ठंडक। अंदर कैसा लग रहा है शेरी? यहाँ बर्फीली हवा है और मैं सेट हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि अंदर तो काफी ठंड है। हाँ, तुमने सही कहा ब्लीपी, मेरी तरफ फ्रोजन डेजर्ट होना काफी कूल है। मेरा तापमान लगभग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही ठंडा रहा तो बिल्कुल पिघलूंगा नहीं। जानकर अच्छा लगा। मैं देख रहा हूँ तुम मेरे पॉप्सिकल की तरह हो। जब ये फ्रीजर से बाहर था और ब्लीपी मोबाइल की गर्मी से मेरे हाथ पर पिघल गया। तुम्हारी पॉप्सिकल को भी यहाँ की सैर करने आना चाहिए था। तुम सही कह रहे हो। इसका मतलब है कि हमारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर है। मेरा पॉप्सिकल मेरे हाथ में क्यों पिघल जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉप्सिकल बहुत गर्म होने पर पिघल जाएंगे, इसलिए हम उन्हें फ्रीजर में रखते हैं। उत्तर अपलोड करो टैप। शेरी, पूरी जानकारी देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। ये था एकदम कूल। ठंडे रहो ब्लीपी। बाय बाय।